हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेट जोन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड की न्यू अपडेटेड एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप आधार कार्ड से रिलेटिव काफ़ी सारे काम अपने फ़ोन पर ही कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ आधार कार्ड के न्यू एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ से एक आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका नाम है एम आधार। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसको यहाँ पर ओपन करने के बाद आप ये कुछ परमिशन मांगेंगे, आप अलाउ कर दीजिए। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अलाउ कर दिया है। फिर उसके बाद ये कुछ आपको उसके हाईलाइट फीचर दिखाएगा, आप उसे इस तरह से स्क्रॉल कीजिए और जेड स्टारेट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंसेंट देनी है, आई कंसेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज चुन लीजिए, इंग्लिश पर कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके के इंटरफेस नज़र आएगा। देखिए, यहाँ पर डाउनलोड आधार है, ऑर्डर आधार रिप्रिंट है, जनरेट QR कोड है, वेजिटल ID जनरेटर है, वेरीफाई आधार है, वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल ID है, अपडेट आधार ऑनलाइन एड्रेस, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको नज़र आ रहे होंगे। इसे हम यहाँ पर एक एक करके जान लेते हैं। डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर पूछ रहा है, वेचरल ID पूछ रहा है, इनरोलमेंट नंबर पूछ रहा है। हम आधार नंबर से इसको डाउनलोड करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। ये कैप्चा अभी लोड हो रहा है, ये कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है। फिर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद ये कैप्चा जैसा लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर एंटर कर देंगे। रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तो उस पर एक OTP आता है, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। देखिए, हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अभी ओपन करने के लिए हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड हमारा वो रहेगा जो आपके नाम के शुरू के 4 वर्ड, आपके नाम के शुरू के 4 अक्षर और आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका ईयर, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो आपका साल होता है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओपन पर क्लिक करेंगे, PDF की परमिशन देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। पासवर्ड आपको आपके नाम के जो शुरू के 4 वर्ड है वो टाइप करना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका जो ईयर है वो टाइप करना है। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर आधार रिप्रिंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनकी कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। अगर आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन चुन लीजिए। अगर आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप नीचे वाला ऑप्शन चुन लीजिए। चलिए, हम ऑप्शन 2 चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है, फिर एक कैप्चा फिल करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। देखिए, हमने यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर दिया है, ये कैप्चा भी एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हमें कोई मोबाइल नंबर देना है। ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर आपको वो देना है जिस पर आपको OTP आएगा, इसलिए मोबाइल नंबर आपको सही मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। चलिए, मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। अब रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का टॉप अप आ गया है। ये दिखा रहा है कि लॉकडाउन होने की वजह से ये सर्विस को अभी बंद कर दिया गया है,
जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब ये सर्विस को चालू कर दिया जाएगा। इससे हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम जनरेट QR कोड पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन हमको नज़र आ रहा है कि आप एंटर आधार नंबर, यहाँ पर हमको हमारा 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली आधार नंबर एंटर करने के बाद ये कैप्चा यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर टाइप करेंगे। OTP टाइप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा QR कोड आ चुका है। अब जब भी कोई बंदा इसको स्कैन करेगा तो हमारा आधार कार्ड उसको नज़र आ जाएगा। इससे हम यहाँ पर शेयर बटन पर क्लिक करके WhatsApp के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, Facebook के ज़रिए शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको वर्चुअल ID जनरेट करने के लिए ऑप्शन दिखा रहा है। वर्चुअल ID पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद एक कैप्चा फिल करके रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। चलिए मैं अपनी डिटेल यहाँ पर फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना आधार नंबर और कैप्चा भी फिल कर दिया, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देंगे। रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। देखिए यहाँ पर हमें दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जनरेट वर्चुअल ID और रिट्रीट वर्चुअल ID। जनरेट वर्चुअल ID पर क्लिक करेंगे। देखिए कुछ प्रॉब्लम बता रहा है यहाँ पर, शायद लॉकडाउन के होने की वजह से, समथिंग विथ यू रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम दिखा रहा है। अगर आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो वर्चुअल ID है वो आपको SMS थ्रू भी भेज दी जाएंगी और यहाँ पर आपको दिखा दिया भी जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, QR कोड स्कैनर। जैसे कोई बंदा आपको QR कोड भेजता है तो आप उसको यहाँ पर स्कैन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करके कैप्चा फिल करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। चलिए मैं अपनी डिटेल यहाँ पर फिल, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमको अपना आधार नंबर दिखा दिया है। उसके बाद एज बैंड 20 से 30 के बीच, जेंडर हमारा दिखाया है मेल, स्टेट दिखा रहा है महाराष्ट्र, और हमारा जो मोबाइल नंबर उसके साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 वर्ड यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा आधार वेरीफाई है। उसके बाद हमको यहाँ पर अपना आधार के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई चेक करना है तो यहाँ पर वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई ईमेल ID। तो हमें सबसे पहले वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। हमको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई है या नहीं वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और ये कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं अपनी डिटेल यहाँ पर फिल कर देता हूँ। मैंने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, डियर रेसिडेंट द मोबाइल नंबर यू हैड एंटर्ड हैज़ बीन ऑलरेडी बी वेरीफाइड। यहाँ पर हमको दिखा रहा है कि हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई है, ऑलरेडी है। अगर आपकी ईमेल ID आधार कार्ड में लिंक है तो यहाँ पर आप वेरीफाई ईमेल ID पर क्लिक करके इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपडेट एड्रेस ऑनलाइन यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और ये कैप्चा फिल करके रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। आपको ऑनलाइन एड्रेस चेंज कराना है तो यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, व्यू एड्रेस प्रूफ, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको एड्रेस पूरा यहाँ पर, आपको अगर एड्रेस चेंज कराना है तो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस एंटर करना होगा, हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, रोड, लाइन, एरिया, जो भी है वो आपको यहाँ पर। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस, ज़िला, स्टेट, वो टाइप करने के बाद प्री वो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नज़र आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वहाँ पर आपको वो कुछ कैटेगरी देंगे कि आप कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट चुनकर आप वहाँ से वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो 3 दिन के अंदर
आपका आधार में एड्रेस अपडेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, रिक्वेस्ट आधार वैलिडेशन लेटर। इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तब आप यहाँ पर रिक्वेस्ट एड्रेस वैलिडेशन लेटर पर क्लिक करके वहाँ से भी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार अपडेट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो हम जितने भी बार आधार को अपडेट किए वो सारी हिस्ट्री हमको यहाँ पर शो कर देगा। सबसे पहले हम आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद ये कैप्चा जैसा लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर एंटर कर देंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हमको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमने यहाँ पर एक टाइम ही आधार अपडेट किया हुआ है तो यहाँ पर ये दिखा दे रहा है कि हमने आधार अपडेट किया है। यहाँ पर हमारी पूरी हिस्ट्री दिखा दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको माय आधार का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे 4 डिजिट का पासवर्ड चुनने के लिए बोलेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, 4 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक कर दिया हूँ। ये देखिए आपका आधार कार्ड यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए आपके आधार कार्ड का ये फ्रंट साइड है और इस तरीके से आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो इसका बैक साइड भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा जिसमें आपका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और इस तरह से ये फ्रंट साइड है, आपका नाम एज यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर आपका आधार नंबर कौन से बैंक में लिंक है वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आधार अपडेट हिस्ट्री ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम अभी आधार लिंकेड बैंक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर ये कैप्चा डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये दिखा दे रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार इज बैंकेड अकाउंट लिंकेड स्टेटस। यहाँ पर देखिए हमारा आधार नंबर 4 डिजिट का लास्ट दिखा रहा है और बैंक लिंकेड स्टेटस एक्टिवेड है और बैंक लिंकेड डेट यानी कि हमने बैंक में कब लिंक किया है आधार अपना वो भी दिखा दे रहा है यहाँ पर डेट। और बैंक का नाम भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, कैनरा बैंक। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर ये लॉक जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपका प्रोफाइल फ़ोटो आपका नाम नज़र आ रहा होगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड वही आपको टाइप करना है जो आपने 4 डिजिट का चुना था। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका आधार कार्ड आपको यहाँ पर शो हो रहा है, फ्रंट साइड बैक साइड। फिर से हम बैक आ जाएंगे। सो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से काफ़ी सारे काम अपने मोबाइल फ़ोन से इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होंगी। वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।